फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरह से आपकी जर्नी रही है लॉकअप में काफी शानदार रही है। दो कदम आप दूर थे, एक रील से आपकी शुरुआत हुई इंडस्ट्री में, आप आए लॉकअप में, काफी फैंस कोई ऐसे शॉक थे, कोई हैप्पी थे आपको उस सेट पे देखते हो, किस तरह से आप इस जर्नी को डिस्क्राइब करते हो? आपने कहा कि दो कदम दूर थी। देखो, हार जीत तो लगी रहती है, एक एक कोई जीत नसीब होती है और हार के जो जीतता है वो बहुत अलग होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे इतना प्यार मिला है, मुझे मेरे फैन से प्यार मिला है, ऑडियंस ने इतना प्यार दिखाया है, सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। और मैं जीती हूँ। और ये आपका पहला रियलिटी शो था, व्हेन यू गॉट द कॉल फ्रॉम द लॉकअप, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? व्हाट व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको कॉल आया लॉकअप से दैट यू नीड टू डू दिस रियलिटी शो? जब मुझे लॉकअप से कॉल आया था कि ऐसे रियलिटी शो हम बना रहे हैं लॉकअप, तो मैं प्रिपेयर नहीं थी, बिकॉज मैंने कभी पहले रियलिटी शो किए नहीं है और मैंने रियलिटी शो देखे भी नहीं है। सो मेरा कोई ऐसा मतलब वो नहीं था जाने का। बट फिर मैंने सोचा कि यार लेट्स टेक अ चांस, कुछ नया करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको अच्छे से ग्रैब किया जाए। तो यस, मैंने फिर हाँ की और अच्छे से कर कर आई उसको। जो रियलिटी शोज की मैं बात करूँ तो क्या आप प्रिपेयर थे, बिकॉज लॉकअप एक फ्रेश रियलिटी शो था, पर इससे पहले बिग बॉस जैसा रियलिटी शो, क्या आपने मैं प्रिपेयर नहीं थी जब मैंने लॉकअप के लिए भी हाँ की, तब भी मैं प्रिपेयर नहीं थी। मैं खुद से मतलब ये चीज़ मैं मान नहीं पा रही थी कि यार सीरियसली मैं रियलिटी शो में जा रही हूँ। बट धीरे 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 वहाँ जाके भी मुझे एक डेढ़ हफ्ते तक यही लगता रहा कि यार मैं क्यों आ गई, कि मैंने क्यों किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन कर दिया, यार मेरे को नहीं करना चाहिए था, मुझसे नहीं हो पा रहा है। बट धीरे 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 मैंने वहाँ ग्रो करना शुरू किया, मैंने सब में इन्वॉल्व होना शुरू किया, तो फिर ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही धीरे 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 धीरे, और मैं यहाँ पे। इनसाइड दैट जेल, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट? मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वहाँ पे माँ बाप से दूर रहना। और जो सीक्रेट टेलिंग टास्क था, आपने एक बहुत बड़ा सीक्रेट उसमें रिवील किया था जो फॉरेन में आप गए थे, तो उस आप जब वो बोल रहे थे तो आपको बैक ऑफ द माइंड क्या कुछ आपके अंदर चल रहा था कि लाइक इफ आई गो आउट व्हाट विल बी माय फैंस थिंक, माय मम्मी पापा सुन रहे, क्या कुछ चल रहा था माइंड बैक ऑफ द माइंड क्या कुछ? कुछ नहीं, मैंने जो बोलना था वहाँ पे बोला और ऐसा उसमें कुछ नहीं था। उसमें यही चीज बोली थी मैंने कि उनको पैसे रिटर्न भी किए थे और दैट्स ऑल। शुरुआत में करूँ दोस्ती से, आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपके आपको क्या लगती है किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनी आपकी? मेरी मुनावर, साइशा, अली, जिशान, सबके साथ, पूनम। तो मैं मुनावर से शुरुआत करूँ, मुनावर और आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी लगी, लोगों को भी काफी अच्छा, उसमें हैशटैग्स बने, इफ यू डोंट नो हैशटैग बने, किस तरह से देखते हो? और मुनावर की कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? हिज ब्रेन, कि जो वो जिस तरीके से चीज़ों को नाप तोल के बोलता है, उसको पता है कि उसको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने, तो उसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो जितना बताना चाहता है वो उतना ही बताता है, सो दैट्स अ गुड थिंग। और आपकी ऐसी कोई दोस्ती घर पे जिससे आप बाहर आ चुके हो तो उनसे मिलना नहीं चाहोगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो, ये कोई हेटरेट थोड़ी चल रहा है, सबसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब से आप बाहर आए हो, देयर इज वन थिंग कि पीपल वांट टू सी यू एंड मुनावर इन अ रियल। यार हम मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं कल रात को ही बॉम्बे आई हूँ, सो मैं अपनी फैमिली के साथ थी, तो अब लेट्स सी, मिलते हैं। और मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी देखा, द काइंड ऑफ रिसेप्शन यू गॉट व्हेन यू वेंट टू योर होम टाउन, उसके बारे में किस तरह की फीलिंग हुई उस? बहुत एक प्राउड फीलिंग भी थी, और मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बहुत प्राउड थे और वो बहुत खुश भी थे, और मैं उनको देखकर बहुत खुश हुई कि उन्होंने जिस तरीके से मेरा वेलकम किया, आई वाज उस टाइम पे बिकॉज़ आई फील हो रहा कि थैंक यू भाई गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी बात कमी रह गई जो आपको थर्ड बनाए एंड पायल को सेकंड एंड मुनावर को फर्स्ट बनाए, उन लोग में वैसी क्वालिटी थी जो आपके में नहीं थी? देखो, हर कोई अपने हिसाब से अपना 100% देता है, शायद मेरी कोई कमी रही हो आगे आने वाले लाइफ के लिए। मेरे लिए सीख थी कि हाँ, मैं कहीं कुछ भी कमी ना छोड़ूँ, जो मैंने कमियाँ यहाँ छोड़ी, मैं आगे आने वाली चीज़ों में, जो मैं करने वाली हूँ, जो भी होने वाला है, उसमें मैं कमी ना छोड़ूँ। और मुनावर की मैं बात करूँ तो मुनावर ने एक ऐसा, मतलब बोलते ना, एक ऐसा रेपो अंदर लेके गए, उनके पहले के वीडियोस काफ़ी चर्चा में रहे थे और अंदर आप सबसे ज़्यादा क्लोजली उनको देखे,
तो डू यू थिंक कि वो बिहेव ऐसा कर रहे थे कि वो नेचुरल था? सी, मैं लॉकअप के बाद मुनावर से पर्सनली नहीं मिली हूँ, सो उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी. और जिस तरीके से वो अंदर लॉकअप में रहता था वो बिल्कुल नेचुरल था मेरे हिसाब से, बिकॉज मेरे को कभी ये चीज़ फील नहीं हुई कि वो फेक है. तो आई होप कि वो बाहर भी ऐसा ही हो. को पायल की मैं बात करूँ तो पायल का गेम आपको कैसा लगता था? ठीक था, अपनी जगह बढ़िया खेल रही थी लड़की, तभी यहाँ तक पहुँची. काफ़ी फैंस का ये भी कहना था कि पायल को पायल ही जीतनी चाहिए थी, मुनावर देयर इज समथिंग दैट पायल नहीं जीती और मुनावर जीत गया. उसमें आपकी क्या पर्सनल फेवरेट आपका कौन था, मुनावर या ऑब्वियस मुनावर? पर फैंस अगर बोलते हैं कि पायल जीतनी चाहिए तो पायल को जिताया नहीं. नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिताया नहीं या कुछ. सब चीज़ें देखी जाती है ना, एक एक चीज़ मिलाकर हम अगर देखें तो मुनावर और पायल का गेम बहुत डिफरेंट था. दोनों के डिफरेंट वे थे चलने के, वो बहुत अलग चलती थी, मुनावर बहुत अलग चलता था. सो दोनों के हिसाब से मुनावर उनको बेस्ट लगा तो इसलिए वो जीता, और उसमें वो क्वालिटी थी जीतने की. और मैं बात करूँ जो जीशान के साथ हुआ जी, उनका इविक्शन हुआ, काफ़ी चर्चा हुई उसके बारे में. आप उस टाइम पे आप काफी क्लोज आप ही थे, बिल्कुल. आपको क्या लगता है कौन राइट था कौन रॉन्ग था उस टाइम? सी देखो, जो उसने झाड़ू मारी मैं उसके अगेंस्ट थी, है ना, कि उसने वो जिसको झाड़ू नहीं मारना चाहिए था वो, उसको भी फील हुआ कि वो उससे शायद एक गुस्से में लग गया. बट जो आजमा करती थी प्रवोक भी उतना ही गलत है जितना कि हिंसा है, बिकॉज वो मतलब प्रवोकिंग में इतनी गलत गलत चीज़ें के बारे में नहीं सुनेगा. माँ बाप भाई बहन सबके एक जैसे होते हैं, सो कोई भी अगर किसी के माँ बाप के बारे में, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उसको इतना गलत गलत बोला गया, सो जो एक्सेप्टेबल नहीं था. तो उसने जो किया उसकी सजा उसको मिली, बट जो आजमा ने किया वो भी गलत था. शुरुआत किसने की आपके हिसाब से? शुरुआत आजमा ने की, शुरुआत आजमा कर रही थी, उसके माँ बाप पे चढ़ रही थी, उसके गर्लफ्रेंड पे चढ़ रही थी. एंड डू यू थिंक मतलब जो गलती की दोनों ने की, बट सजा जिशान को मिली, जिशान को घर के बाहर निकाल दिया, डू यू थिंक दैट थिंग वाज राइट? सी देखो, वो चीज़ हम राइट और रॉन्ग नहीं बोल सकते. जो बाकी मेकर्स को जो लगा उन्होंने वो किया, तो वो उनको ऊपर ही छोड़ते हैं. लाइक उसका जस्टिस था इनजस्टिस था आपके हिसाब से? इनजस्टिस था, वो नहीं होना चाहिए. बट अगर वो जो उसने झाड़ू मारी थी उसके लिए वो ठीक भी था, बिकॉज हम ऐसे जो लड़की के ऊपर मारा गया था तो वो गलत था. वो हमें भी कहीं ना कहीं वो सब चीज़ हम बोल रहे थे कि वो उसको झाड़ू नहीं मारनी चाहिए थी, बाकी सब ठीक था, उसको झाड़ू नहीं मारनी चाहिए थी. बट प्रोवोक तो उन्होंने किया, प्रोवोक तो आजमा ने किया, चालू भी उसी ने किया था. ओके, और इसके अलावा उसके जाने के बाद भी वो उसको प्रोवोक करती रहती थी, बोलती रहती थी कैमरा के आगे भी बोलती रहती थी, उसने पूरा ड्रैग किया उसको एंड तक. और जब प्रिंस आए घर पे, कुछ अलग ही माहौल बन गया वो घर का, तो आप किस तरह से प्रिंस की जो जर्नी है, जो छोटी जर्नी है उनकी, पर वो जब से आए घर में कुछ अलग ही माहौल बन गया, आपको आपको क्या लगता है उसको? प्रिंस इज लाइक माय बिग ब्रदर. उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मेरे को गाइड भी किया, मुझे गेम समझाया भी कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो और अच्छा करोगे. वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे कि इस तरीके से कर, इस तरीके से कर. तो वो उनकी जो जर्नी छोटी सी थी वो बहुत अच्छी जर्नी थी हमारे लिए, बहुत मतलब इंस्पायर किया उन्होंने हमें. और ऑफ कोर्स वो 4 रियलिटी शो जीते हुए हैं, तो उनके साथ वहाँ पे एज अ को कैदी रहकर मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ. और कोई ऐसी चीज़ जो आपने सीखी उनसे? कि अपनी ओपिनियन जो अपना रखना चाहिए वो पूरा खुल के रखो. वो मेरे को हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, खुल के बोला कर, पूरा बोल, ओपिनियन रख. तो यस प्रिंस मरो, यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ. तो मैं मुनावर पे फिर से आता हूँ. मुनावर की मैं बात करूँ तो मुनावर अब तो जीत चुके जी. अब जीत चुके, उसके बाद कुछ आपकी बातें हुई कुछ आपका? नहीं, मेरी अभी तक उससे कोई बात नहीं हुई है, और अभी हम मिलेंगे मे बी. तो अभी मैं अपने घर से आई हूँ, मैं अपनी फैमिली से फ्री नहीं हुई थी, तो कल ही मैं बॉम्बे में आई हूँ, अभी मैंने आपको बताया. तो अब मैं जाके सबसे मिलने वाली हूँ. कंगना मैम की बात करूँ तो कंगना मैम एज अ होस्ट कैसे लगी आपको, क्योंकि विच वाज वेरी न्यू फॉर ऑल द ऑडियंस आल्सो? मे बी जो ये हमारे जेल का कॉन्सेप्ट था, अगर कंगना मैम नहीं होती तो ये शो पूरा नहीं होता.
तो कंगना मैम हमारे पूरे शो की सोल थी। और करण कुंद्रा काफी बार अंदर आए, लास्ट में तेजस्वी भी आए। प्योर हार्ट, प्योर सोल, बहुत अच्छे हमारे जेलर जी। हमेशा जब वो बोलते थे ना, ऐसा लगता था कि यार एक बूस्ट आ गया, मोटिवेट कर दिया उन्होंने हमें। और जेन्युइन बंदा, बिल्कुल जेन्युइन। कोई ऐसी बातें हुई उनसे जो आपको सीखने में, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब वो लोग जब भी कुछ बताते थे हमें, ऑन पॉइंट बताते कि तुम इस पॉइंट पे अगर काम कर लोगे तो तुम आगे चले जाओगे। तो वही वो जो छोटी छोटी सीख देते थे वो बहुत अच्छी थी। मैं बॉन्डिंग की मैं बात करूँ, सबसे अच्छी बॉन्डिंग मुनावर से आपने कहा है, बट देयर आर फैंस हु वांट टू नो दिस के व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग मुनावर इन इंस्टाग्राम। आई टोल्ड यू ना कि मेरे को टाइम नहीं मिला। मेरे आप इंस्टाग्राम पे देखोगे मैं एक्टिव नहीं थी, एक हफ्ते से मैंने कुछ भी नहीं डाला था। सो अब मैं चलाऊंगी इंस्टा, उससे मिलूंगी। और ज़रूरी नहीं यार दोस्ती वोस्ती शो करने के लिए एक दूसरे को फॉलो किया जाए, वो रहता ही ये चीज़। अभी हम मिलेंगे तो एक दूसरे को फॉलो भी करेंगे, मिलेंगे भी। आने वाले समय में किस तरह से आपको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हो, कैन वी सी यू इन बिग बॉस और अदर रियलिटी शो, एनीथिंग? लेट्स सी। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट स्पेशली विद मुनावर? वी हर्ड दैट यू आर डूइंग अ सॉन्ग विद मुनावर। फॉर श्योर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और एनीथिंग एल्स लाइन अप? नो कमेंट्स, सरप्राइज। थैंक यू सो मच। या थैंक यू।